के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? अंगूर, आम, संतरा, पपीता। तो आपको बताना है किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आप ये जानते हैं कि इंडिया आम का भी सबसे बड़ा उत्पादक है और पपीता का भी। तो दो और चार किस ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो देख लीजिए। तो पहले का डी आंसर हो जाएगा, पहले का डी आंसर हो जाएगा। हाँ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर जो आज संपन्न हुआ है RO ARO मुख्य परीक्षा का पेपर GS का, उसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे संतुलित सटीक आंसर की यहाँ पर मिलेगी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? मैंने कितनी बार बताया आपको, जल में BC होती है, जल में BC। और यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हैं, बी और सी, दोनों आंसर हो चाहिए। तो ये स्टार मार्क्स में कर दे रहा हूँ, आयोग पर डिपेंड करता है। हालांकि इसका आंसर बी और सी दोनों होना चाहिए, क्योंकि जल में BC होती है, बाकी वसा में ADE के। रीजनिंग का आंसर है मैट सेट टेट को क्रमशः 52, 76 और 80 से कूट किया जाए तो पैट का क्या होगा, है ना, ये सब इनमें दिया है। तो पैट का क्या होगा आप करके देख लीजिएगा, इसका आंसर 64 आएगा, बाकी फिर भी आप चेक कर लेना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक CDB का मुख्यालय कहाँ पर है? कितनी बार मैंने बताया CDB का मुख्यालय लखनऊ में, 1990 में CDB लखनऊ। वर्ष 2020 का प्रथम दिन बुधवार था, 2021 का अंतिम दिन क्या होगा निकाल लीजिएगा, रीजनिंग का है, फिर भी आंसर इसका शुक्रवार होगा संभवतः, फ्राइडे। 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2022-27 के बीच कितनी बार 29 की तारीख पड़ेगी, कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी? तो 1 22 से लेकर 27 के बीच कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी? तो इसका आंसर 56-79, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद सही है, भारतीय दलहन अनुसार कानपुर सही है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ सही है, भारतीय सब्जी संस्थान गोरखपुर ने कहाँ पर है, ये वाराणसी में है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, सी। 8वां, रिंगमैन स्केल का प्रयोग किसके लिए होता है? तो धुआं के लिए, किसके लिए होता है, धुआं के लिए। 9th है, आप इसको मिला लेते हैं, रस पंचाध्यायी आप सब जानते हैं। तो रस पंचाध्यायी में आप क्या करते और चेतन मंगल, भक्ति रत्नाकर, एक दो मिलाने का प्रयास करते, जो भी मिला पाते देखते हैं इसमें क्या आप मिला सकते थे। तो भक्ति रत्नाकर, नरेंद्र चक्रवर्ती, रस पंचाध्यायी, नंददास से मिला लेते, तो इसका आंसर आप कर लेंगे 9th का सी आंसर कर लेंगे। 1 से आंसर रस पंचाध्यायी आप जानते हैं नंददास जिसकी है, बाकी चैतन्य भागवत वृंदावन दास, चैतन्य मंगल, जयनंद, भक्त रत्नाकर, नरिहर चक्रवर्ती, इस तरह क्वेश्चन आयोग बहुत पूछने लगा है। तो इस तरह की जो भी आंसर, जो भी बुक्स हैं, रटते रहिए उनको। नंबर 10th की ओर बात करें, विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन, प्रोटीन पर मैच करना है। तो आप सब जानते हैं मैच कर लेंगे, आसानी से कर सकते हैं इसको मैन। देखिए यहाँ पर मिलाने का प्रयास हम लोग करते हैं। आप ये जानते हैं कि जो एंजाइम्स है, जो आपका हार्मोन्स है, वो कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन है। तो C4 देखिए आपको कितने मिल रहा है, तो C4 आपको 2 में मिल रहा है। उसके बाद आप जानते हैं कि विटामिन क्या है, कैरोटीन है, तो A2 और C4 A2, तो यानी कि डी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी आंसर मिल जाएगा। विटामिन, कैरोटीन, एंजाइम्स, पेप्सिन, हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोटीन क्या होती है, केराटिन। नेक्स्ट 11th नंबर पर बात कर लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम कार्बोनेट सही, वैसिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसका ए आंसर होना चाहिए, ए। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, तो ये ए होगा। जिस प्रकार भाग पार्ट संपूर्ण वूल से उसके बाद चाप आर्क, ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है। तो जब चाप की बात करेंगे, आर्क की, तो इसका आंसर परिधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिधि। कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरी वनों में नहीं मिलता है? तो ओक, चेस्टनट, जैतून मिलते हैं, सागवान या सागौन नहीं मिलता। सागौन देखते ना UPMP में बड़ी मात्रा मिलता है, तो भूमध्य सागरी में सागौन नहीं मिलता। दिसंबर 2021 में किससे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया? सिमोन बाइल्स को, किसे, सिमोन बाइल्स को। ये सब क्वेश्चन कराए हुए मैंने, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट्स मैंने कराए वहाँ से सब करंट फंसा हुआ है। ब्रह्मास सीरीज के बहुत क्वेश्चन आए हुए, हाँ कुछ क्वेश्चन नहीं आए, वो तो सब जगह से नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपके अगर आधे से अधिक हेल्प ये कर दे रहा है तो और क्या चाहिए। केंद्रीय औषधि एवं संगत पौध संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है, लखनऊ में है, ये आप सब जानते हैं, 15th का ए हो जाएगा लखनऊ। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक मेंबर कौन नहीं था? तो कौन नहीं था, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे, बाकी तीनों थे, यशपाल, भगत सिंह, छबीलदास नौजवान सभा में शामिल थे। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है, स्टेरॉयड है, स्टेरॉयड। भारत
के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया, कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ, रिपीट है, बैक ईयर बार बार क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन भी है, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन भी कराया हुआ बैक ईयर क्वेश्चन भी 18 का आपको सी आंसर मिल जाएगा 2008। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसका आयोजन जयपुर में, इसका थीम आत्मनिर्भर भारत था, तो पहला ये गलत है, केवल दो सही है, इसकी थीम आत्मनिर्भर भारत थी, तो इसका आंसर आपको बी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बी। 20 इंडोनेशिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही, इसमें 15 से अधिक द्वीप हैं, केवल एक सही है इसका, फिर भी इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, स्टार लग रहा है मेरे हिसाब से, ये भी सही नहीं होना चाहिए, बट इसको आप देख लीजिएगा, चेक करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो नटराज नृत्य भगवान शंकर के लिए है, तो ये आप जानते हैं कि ये मूर्ति नृत्य करते हुए चार हाथों वाले भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल सही, नटराज क्लास 7 में भी मिल जाएगा एनसीईआरटी में, और अपने दाएं कान में एक पुरुष का कुंडल पहने हुए और बाएं में एक महिला का, बिल्कुल सत्य है, अगर आप मूर्ति देखेंगे नटराज भगवान शंकर की तो आपको दिख जाएगा, दोनों सही है इसका आंसर, तो 21 का सी मिलेगा, 21 का सी। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कुहुना का निर्माण किसने करवाया, तो किला एक कुहुना निर्माण किसने करवाया, आप सब जानते हैं शेरशाह, बी आंसर हो जाएगा। नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, किस देश के हैं, तो आप सब जानते हैं संयुक्त अरब अमीरात, किसके हैं, संयुक्त अरब अमीरात यूएई के हैं। जनवरी 2022 में किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन करवाया, ये क्वेश्चन भी करवाया गया, हैदराबाद में है, 24 का सी हैदराबाद में पहला ओपन रॉक संग्रहालय। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को क्रम से मिलाना है, तो मिला लीजिए, क्या हो जाएगा, आप ये जानते हैं, देखिए तो मिलाने में आप सबसे पहले मध्यदाह आएगा, फिर आपका बिलेखैया, तो सी आंसर हो जाएगा सी, क्यों, आप जानते हैं बीरभानपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है, तो सबसे लास्ट में आएगा बीरभानपुर। पैसरा आपका बिहार में है, तो बस 3-1 है ना, 1-3 और 4 मध्यदाह, उसके बाद आपका लेखैया कर लीजिए, उसके बाद पैसरा और फिर बीरभानपुर। 26 पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, आप सब जानते हैं, करवाया क्वेश्चन है, 26 का सी नाइट्रेट आंसर हो जाएगा, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है नाइट्रेट, ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है ब्रह्मा सीरीज में भी। ऊर्जा के क्षेत्र पर ब्याज भुगतान का भार कम करने भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है, तो ये कौन सी योजना प्रारंभ की है, उदय योजना। निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर राकेट काम करता, बैक ईयर क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन भी है, बार बार आता है, संवेग संरक्षण पर काम करता है, संवेग संरक्षण पर राकेट काम करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो ये आंसर डी हो जाएगा, पशु चारे वाली फसलें। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं थी, आप सब जानते हैं किसमें नहीं होती, राष्ट्रपति में नहीं होती, केवल एक आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति में नहीं होती है। सुगमता सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का तरीका है, ये भारत में SME हित व्यापार सुगमता को संकलित, तो इसमें केवल एक सही है, केवल एक सही होगा। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई, ये सही है, ये अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, ये गलत है, तो इसका आंसर केवल एक ए मिल जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा बाघ अभयारण्य MP में स्थित नहीं है, तो देखिए बांधवगढ़ MP में है, कान्हा MP, संजय दुबरी MP में, बट अमनगढ़ नहीं है, अमनगढ़ कहाँ पर है, UP में, बिजनौर में है, तो ये ए इसका आंसर होगा, 33 का भी ए आंसर मिलेगा आपको। 34 मैच कर लीजिए, आइए मैचिंग कर लेते हैं, यहाँ पर सूची और दीवान दिए हुए हैं, तो हम लोग मैच कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप चाहें तो जो आप यहाँ पर देख पाते हैं उनको मैच करने का प्रयास कीजिए, जैसे जहांगीर को आप जानते हैं ग्यास बेग उत्माउद्दौला, जहांगीर को आप एतमाउद्दौला से मिला सकते हैं, तो बी का वन आप देख सकते हैं कहां पर मिल रहा है, और बी का वन आपको सिर्फ एक ही स्थान पर मिल रहा है, आंसर अपने आप डी हो गया, कुछ करना ही नहीं। अकबर अब मिला लिए, अकबर क्या हो जाएगा, मुजफ्फर खान हो जाएगा, जहांगीर आपका ग्यास बेग हो गया, उसके बाद शाहजहाँ के समय सादुल्ला खान हो गया, और औरंगजेब के समय असद खान हो गया, तो अपने आप आंसर मिल गया इसका। कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र यूपी में स्थित है, तो कौन से यूपी में है, देखिए डार्ली पार्ली यूपी में नहीं है, पहली बात तो याद है, दादरी है नोएडा में बट वो गैस आधारित है, दादरी कैसा है, गैस आधारित है। तो अब बचते हैं 3 और 4, सिंगरौली और विंध्याचल, तो 35 पर डी आंसर कर लीजिए, 3 और 4 सिंगरौली और विंध्याचल हो जाएंगे। दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण में किन राज्यों को छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, तो मैंने करवाया भी है पहले, मिजोरम,
भूटान ने किसे किस देश के पीएम को अपना सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रग ज्ञानपुर मैंने करवाया है, बार बार ये इंडिया मोदी जी को दिया गया है। डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी, कलकत्ता में 1817 में करवाया क्वेश्चन कलकत्ता में। डॉप्सन इकाई कितनी बार मैंने करवाया क्वेश्चन है, तो डॉप्सन किसके लिए ओजोन परत की हाइट नापी जाती है, डॉप्सन ओजोन सांद्रता 39 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 40 निम्नलिखित में किस राज्य में भारत ने कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, किसी जीते थे, तो उड़ीसा ने। यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग आंसर करेंगे क्योंकि इतना समय नहीं होता, बाद में व्याख्या करेंगे, बट आप अपना पेपर मिला लीजिए। और हाँ, जिनको भी पीसीएस प्री और बिहार पीसीएस प्री देना है वो जरूर देखें, और साथ ही चैनल अनुपम सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ब्रह्मा सीरीज और करंट आपके लिए रामबाण होने वाली है। वाणिज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये व्यवसाय का क्षेत्र जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है, उपभोक्ताओं तथा उत्पादों को वृद्धि करने के कार्यक्रम संबंधित है, संभवतः इसका आंसर सी होना चाहिए, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, हो सकता है इसका आंसर आए कुछ और दें। यूरोप में राइन नदी से जर्मनी की औद्योगिक गतिविधि महत्वपूर्ण मार्ग है, रॉटरडम इस पर है, तो दोनों सही हैं इसके, तो 42 का आपका आंसर मिल जाएगा सी, बोथ 1 और 2। जनवरी 2020 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो पहला तो गलत है, ये विषम संस्करण नहीं था, पुडुचेरी में किया गया, तो केवल 2 सही है बी। अलास्का के संदर्भ में अमेरिका का तेल उत्पादक क्षेत्र बिल्कुल सत्य है, 1860 में खरीदा गया था, तो 44 का सी आंसर हो जाएगा, 44 का सी, बोथ 1 और 2 बोथ राइट। चलिए 45 में मिला लेते हैं, मैचिंग करना है, तो आप सब जानते हैं, देख लीजिए यहीं से देख लीजिए, मैंने करवाया भी है क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं कि जो 21 वर्ष की आयु होती है वो ग्राम पंचायत के लिए होती है, 21 ईयर्स में आप ग्राम पंचायत या प्रधान बन सकते हैं, 25 वर्ष में आप MLA बन सकते हैं विधानसभा के मेंबर, 30 वर्ष में आप MLC बन सकते हैं, और 35 वर्ष में आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इस आधार पर अगर आप देख लें तो क्रम से सब मिला हुआ है इसमें, तो कोई भी देख लीजिए तो आंसर क्या मिलेगा इसका आपको, ये देखिए मिला लेते हैं हम इसको, तो 45 का ए आंसर मिलना चाहिए, क्या मिलेगा ए, देखिए ए आंसर मिलेगा, कैसे मिलेगा ए आंसर मिला लीजिए, मैंने अभी बताया भी आपको, क्योंकि 21 वर्ष में पंचायत मेंबर और 25 वर्ष में MLA, तो 2-3-1 ही मिलना हो गया आंसर, 2-3-4-1। तीनों गोल में सम्मेलन भाग लिया भारतीय नेता कौन थे, तो जिन्होंने तीनों भाग लिया बताया आपको, B.R. अम्बेडकर और दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना, तो अम्बेडकर जी दिए हैं इसमें। कौन बॉक्साइट के दो उत्पादक राज्य आप सब जानते हैं, उड़ीसा और आंध्रा, तो पहला आंसर मिल जाएगा इसका ए, उड़ीसा एंड आंध्रा। कौन सा मैग्रो क्षेत्र गोदावरी अधिक डेल्टा पर है, गोदावरी डेल्टा पर कौन सा है, कोरिंगा है, डी आंसर हो जाएगा। रटते रहिए, इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और बार बार एग्जाम्स में आते हैं। 49 पे आते हैं, घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये क्वेश्चन मैंने करवाया करंट में सही है, यूपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी विजेता घोषित किया गया, बिल्कुल सत्य है, अभी करवाया कल परसों भी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया, बिल्कुल सत्य है, दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा 49 का, बोथ 1 और 2 करेक्ट। अब इसमें कौन सा बराबर होगा, तो ये रीजनिंग है, मैचिंग कर सकते हैं आप, चेक कर लीजिएगा, और इसका आंसर आप हो जाएगा आपको सी, एक बार आप लगा भी लीजिएगा। इसमें इन्होंने लिखा है ना, देखिए 44.75 कैसे करना है, जो अंतिम वाला डिजिट है उसको आप ऐसे ले आइए, ये और ये ऐसे ले आएंगे। अब यहाँ पर देखिए 83 और 74 दिया है, तो 83 और 74 में इन्होंने क्या किया कि 8 वाले को आप 8 लिखिए और 3 ये लिखिए, बाकी संख्या वैसी आनी है। अब इसी तरह इसमें अगर आएंगे तो जो अंतिम संख्या है वो हमारी कहाँ पर आएगी, 1 सबसे बाद में आएगी, तो 1 और 4 हो गया, और उसके बाद तो बस वो मिला लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डॉस्ट किसने शुरू की है, तो विश्व बैंक के द्वारा। फिर अगला है WH 110 टाइम, ये आपको बनाना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको अगर आप बनाएंगे तो हल कर पाएंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर 94 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार फिर से, क्योंकि देखिए इन्होंने पूरा ऐड किया है ना, 55 × 10 हो रहा था, बाद में जोड़ के इसे दुगना किया गया। कौन सा सही है, तो गाय देवनी होती, बकरी बरबरी होती, भैंस भतावरी, भेड़ गिर नहीं होती, गिर गाय की प्रजाति होती, भेड़ गिर गलत है। कौन सा 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 स्वच्छ शहरों में शामिल नहीं था, तो 54 का आंसर है, तिरुपति शामिल नहीं था, सी आंसर हो जाएगा 54 में। निम्नलिखित घटनाओं विचार कीजिए, क्रम से व्यवस्थित कीजिए, चलिए कर लेते हैं क्रम से 55 में, तो आ जाइए 55 में क्या हो जाएगा, आप ये जानते हैं नाबार्ड कब बनी, नाबार्ड की स्थापना आप जानते हैं 1982 में हुई नाबार्ड।
कार्ड कब बने आप सब जानते हैं, 1982 कर पाएंगे, बताया भी है। और किसान क्रेडिट कार्ड आप जानते हैं 98-99 में है, 98-99 है ना। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब बनी, 1975 में बनी, 2 अक्टूबर को। तो अब मिला लीजिए, बाकी अपने आप मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए मिल जाएगा आपको। कैसे ए, चूँकि सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आएगा 75 में, फिर नाबार्ड 82 में होगा, फिर स्वयं सहायता समूह का लिंकेज कार्यक्रम, फिर क्रेडिट, सबसे लास्ट में KCC आएगा। तो ए आंसर हो जाएगा 55 का ए आंसर। 56 पार्वती अरंगा मैंने कराया हुआ है, पार्वती अरंगा अभी करवाया था, रामसर साइट है, गोंडा में है, बच्चे भरण बोथ। तो 56 का बोथ आंसर होगा, सी आंसर होगा, 1 और 2 बोथ राइट एंड करेक्ट। नेक्स्ट उसको मैचिंग करना है, आइए मिला लेते हैं इसको 57 पे। तो ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है 57 में। देखिए अटाला देवी मस्जिद आप जानते हैं जौनपुर में है, तो अटाला यूपी में स्थित है। अटाला किस कहाँ पर बनाई है अटाला देवी, तो कर लीजिए इब्राहिम शाह सर की, इब्राहिम शाह सर की। और छोटा सोना मस्जिद अगर आप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी वली मोहम्मद, वली मोहम्मद। और कदम रसूल की आपकी मिल जाएगी आपको नुसरत शाह, तो इसका आंसर बी हो जाएगा सीधे सीधे, है ना, 2413। नेक्स्ट आ जाते हैं 58 नंबर, कौन सा एक पादप हार्मोन है आप सब जानते हैं, बार बार क्वेश्चन करवाया मैंने, लिखवाया भी, अभी भी करवाया था, बैक ईयर क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन। कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था, तो कौन नहीं था, शिव कुमार भटावली नहीं थे। निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक सागर तट पर स्थित नहीं है, एक बार चेक करना है इसका आंसर, वैसे संभवतः स्वीडन और नॉर्वे आएगा, मेरे हिसाब से डी आंसर आएगा, स्वीडन और नॉर्वे। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में यूपी को कौन सा स्थान प्राप्त किया, यूपी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, यूपी ने, तो आप सब जानते हैं 6ठा स्थान प्राप्त किया, करवाया क्वेश्चन करंट का है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC कब बना, 1952 में बना, 62 का बी, 6 अगस्त 1952 मैं याद रखता हूँ इसको, 6 अगस्त 1952 को हमेशा। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो पहला तो 63 की अगर बात करें तो पहला तो गलत है, 400 घिरी नहीं है, ब्रंज घाटी में केवल 2 सही है इसका बी, सूची सुमेलित करनी है। तो 64 में आइए कर लेते हैं 64 की अगर हम बात करेंगे तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप बहुत सिंपल है, करवाया हुआ भी है, श्रावस्ती मिला लेंगे आप संभवनाथ, तो ए का 4 सिर्फ सी मिल जाएगा, सी हो जाएगा, श्रावस्ती संभवनाथ कर लीजिए। काकंदी आपका सुविधनाथ, अयोध्या में जन्म हुआ था ऋषभनाथ का, तो वैसे भी सी का 1। और पबोसा आपका पद्म प्रभु, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, श्रावस्ती संभवनाथ से सही कर लेंगे आप। नेक्स्ट आते हैं 65 में अगर हम लोग देख रहे थे तो 65 में कौन सा देश 2020 में युद्धाभ्यास की ड्रैगन में शामिल नहीं था, तो फिलीपींस शामिल नहीं था, करवाया क्वेश्चन, बाकी सब शामिल थे। 66 में कौन सी फसल मूल नियंत्रण हित भाषाकार स्त्री को शामिल नहीं है, तो इसमें कौन सी नहीं है, गेहूं नहीं, सॉरी आलू नहीं शामिल है, आलू आलू। अब आते हैं 67, भारत के संविधान 9A में आप सब जानते हैं कौन सी इकाइयां शामिल की गई हैं सुशासन की, तो इसमें सिर्फ शहरी क्षेत्र होगा 2 केवल बी, क्योंकि 9th जो है वो पंचायती राज के लिए है और 9A जो है आपका वो शहरी क्षेत्रों के लिए। पॉलीथीन बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं पॉलीथीन के लिए, तो पॉलीथीन आप सब जानते हैं घर में यूज भी करते हैं, तो एथिलीन, 68 का ए पॉलीथीन। 69C करवाया हुआ क्वेश्चन मैंने, फॉरेस्ट रिपोर्ट अलग से करवाई थी, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों में उनके भौगोलिक एरिया का 33% से अधिक एरिया फॉरेस्ट कवर है, करवाया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल लाइन लिखी है वही 17 राज्यों में 33% से अधिक है, और मेरी जो रिपोर्ट वो पढ़ी हुई है उसको फिर से देख लीजिएगा, और भी क्वेश्चन आगे आएंगे। एक किताब के संदर्भ में कौन सूचनाएं सही है, तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले इसमें क्या होगा देख लीजिए, सबसे पहले किसी किताब का क्या होता है, शीर्षक होता है, तो बस 5C आंसर मिल जाएगा, शीर्षक, शीर्षक के बाद भेद सूची होगी, उसके बाद प्रस्तावना होती है, उसके बाद अध्याय होते हैं, और फिर अनुक्रम, तो सी। फिर अगला है 1800 राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथीट्स किस भाषा में लिखी थी, फारसी में, 71 का सी। अभी क्वेश्चन उत्तराखंड पीसेस में भी आ चुका है, अभी करवाया था मैंने। उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया के संबंधित है, मैंने बताया था स्टैंड अप इंडिया, SC ST वुमेन से 72 का डी। कौन सा रामसर आर्द्रभूम भारत के किसी राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसका आंसर बी होगा, पॉइंट कोलमेर वन्यजीव पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, तमिलनाडु। देखिए हैं सभी भारत में ही है सभी, लेकिन पूछा है किस कौन सा यूटी में है,
स्टेट में है, तो स्टेट में सिर्फ पॉइंट कैलेमर वन्यजीव पक्षी तमिलनाडु, बाकी सब यूटी में, ओकेरा जम्मू कश्मीर यूटी है, और बुलर झील जम्मू कश्मीर में ये भी यूटी है, त्यो मसूरी लद्दाख में ये भी यूटी है ना, तो स्टेट सिर्फ तमिलनाडु हुआ, तो बी आंसर होगा 73 का। 74 प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, तो पांडिचेरी में हुई थी, पुडुचेरी में, डी। 75 कौन सा एक स्थली पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सागरी पारिस्थितिकी तंत्र नहीं, 75 का बी। किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण द्वारा 21 उत्तर प्रदेश कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग दी गई है, स्टार रेटिंग दी गई है, तो बताइए किस शहर को दी गई है, तो इसकी बात करते हैं तो इसे अलीगढ़, ए। भारत की संसद को कानून निर्माण करने की शक्ति है, संघ, प्रदेश, भारतीय नागरिक, कौन की संपत्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 77 का डी, कहीं भी तो 77 का डी, 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना, लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, करवाया भी मैं, बार बार क्वेश्चन आता है, तो याद रखें इस बात को, 2017 में, बी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है, तो क्या नाम है, 79 का बी, द यूनियन ऑफ इंडिया, द यूनियन ऑफ इंडिया। मंदसौर में किसका उल्लेख है, तो कुमारगुप्त फर्स्ट, डी आंसर, कुमारगुप्त फर्स्ट, मंदसौर प्रशस्ति में, यशोधर्मन का भी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वित्तीय संस्थानों में केंद्रीय बजट 2021 में विनिवेश का लक्ष्य क्या रखा गया है, तो सी रखा गया था, एक लाख करोड़ रुपए। यदि किसी समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रीय कार्य कौन करेगा, तो आप जानते हैं भारत का प्रधान न्यायाधीश, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति करता है, अगर वो भी नहीं है तो फिर प्रधान न्यायाधीश, और एक बार ऐसा हुआ है कि जब जस्टिस एम विधायतुल्ला ने कार्यभार राष्ट्रपति का कार्यभार किया है। चलिए हिस्ट्री क्वेश्चन बातें विचार करना है कौन सा सही हो जाएगा, तो 83 की अगर बात करें तो डी आंसर हो जाएगा, डी कैसे हो जाएगा देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 83 का डी। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत बस विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक डैशबोर्ड में कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था, तो इंदौर शामिल नहीं था, इंदौर शामिल नहीं था। कौन सा प्रथम सफल क्लोन जानवर है, तो प्रथम सफल क्लोन जानवर कौन थी, भेड़, भेड़, डॉली नामक भेड़ पैदा हुई थी, है ना, डॉली याद रखना। जनवरी 2022 में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 10वें अध्यक्ष, मैंने करवाया कितनी बार ये करंट में, तो आप सब जानते हैं एस सोमनाथ को बनाया गया, किसे, एस सोमनाथ को। रजनी का क्वेश्चन है, सोवन पीछे से 9वें आगे से 8वें, तो इस तरह करके कितने बच्चे हैं, तो आप देख लीजिएगा 87 का मिला लीजिएगा, इसका आंसर आपको 10 मिलेगा ए, फिर भी चेक कर लेना एक बार, है ना। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित, आप सब जानते हैं, बार बार कराया क्वेश्चन है, लखनऊ, तुक्का हमारे से हो जाएगा, लखनऊ में। कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्र में सबसे बड़ी है, तो 89 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें नर्मदा हो जाएगा, नर्मदा। कौन सा हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था, तो राजा मानसिंह तोमर थे, तानसेन थे, सदारंग अदारंग थे, तो इसमें कौन नहीं थी, माल गुर्जरी नहीं थी, ये है ना, ये एक वहाँ की लोकल थी, वो माल गुर्जरी नहीं थी, इसका आंसर डी हो जाएगा, 90 का डी। अगर आप ग्वालियर के किले पर जाएंगे और वहाँ का लाइट एंड साउंड शो देखेंगे तब भी इसका आंसर आप कर लेंगे। कौन सी जनजाति यूपी के वाराणसी जिले में नहीं मिलती, ये क्वेश्चन आज का यूपी में बैक ईयर क्वेश्चन है, तो चेरो मिलती है, गोंड मिलती है, खरवार, सहरिया नहीं मिलती, सहरिया बेसिकली एमपी और राजस्थान में मिलती, सहरिया नहीं मिलती, 91 का डी। फिर नेक्स्ट है हल्दी भूमिगत तनों का उदाहरण है, जिसे क्या कहते हैं, हल्दी आप जानते हैं सब, तो जो तने उसके होते हैं वो हल्दी तना होती है बेसिकली, तो इसका एग्जाम आंसर क्या हो जाएगा, राइजोम, क्या हो जाएगा, राइजोम, डी आंसर हो जाएगा। एस्प्रेनल्स डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP नीति आयोग ने कब शुरू किया था, तो बताइए कब शुरू किया था, आपको बताना है 93, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जनवरी 2018 में शुरू किया था। डेथ इन बनारस किसकी पुस्तक है, बी, जनानाथ पैरी की, डेथ इन बनारस जनानाथ पैरी। वृत्त संख्या ज्ञात करनी, चलिए ज्ञात कर लेते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 28 आना चाहिए, देखिए कैसे आएगा, आप देखिए 5 1 5 और फिर 5 1 5 और ये 5 1 6 हो गया, ऐसी तरह आपने यहाँ पर जोड़ा, 3 7 21 7 आ गया, और 7 और 3 10 हो गया। अब इसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 7 4 यहाँ पर जब 7 आएगा तो ये तो ये हो पाएगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, 28 होगा, तभी तो 4 7 8 होगा, और 4 7 28 और 4 11 तो 28 आएगा यहाँ पर। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए मंत्र भेजा था, तो दौलत खान लोधी ने, 96 का सी। एंटीबायोटिक्स अधिकांशता प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं, बैक्टीरिया से, जीवाणुओं से, 97 का सी। शेरशाह सूरी संदर्भ में कौन सा कथन सही है,
वो शानदार प्रशासनिक व्यवस्था वाला था। ये इसमें दोनों सही हैं, फिर भी एक बार देखना आयोग का आंसर क्या आता है, स्टार लगा लीजिए इसको, मेरे हिसाब से सी सही होना चाहिए। कौन सा 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, हालांकि क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूजिंग है, फिर भी इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू मेरे हिसाब से, 99 का सी। फिर कौन सा सही सुमेरी थी, मक्का नरक मंजरी निकालना, बिल्कुल सही, मूंगफली खोखी बनना, तंबाकू शीर्ष कर्तन करना, लेकिन काबुली चना किले निकलना तो ये सही नहीं होना चाहिए, 100 का सी, फिर भी देख लेना एक बार। 101 व्यापार के संदर्भ में कौन सा सही है, ये मांग और आपूर्ति दोनों प्रदर्शित करता है, ये केवल मांग पर संबंधित है, तो 101 का केवल ए सही हो जाएगा, एक यानी कि पहला। 102 कौन सा अनुच्छेद भारत में वित्त आयोग, कितनी बार कराया मैंने क्वेश्चन, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, 280 सी, 102 का सी, कौन सी तीन अनुसूची संबंधित है, तो आप जानते हैं सातवीं, 103 का सी, जो कि इसमें तीन चीज़ें हैं, राष्ट्र सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, स्टेट यूनियन कंकरेंट लिस्ट, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। किसके अंतर्गत ज्वाइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन प्रावधान किया जाता है, संयुक्त अधिवेशन कब आता है, 108 बी, 104 का बी, 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है जबकि लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। कौन सा आहार समूह मनुष्य को शरीर को अधिकतम ऊर्जा देता है, तो अगर आपको तत्काल ऊर्जा चाहिए तो आप क्या खाएं, तो आप सब जानते हैं 105 का सी, कार्बोहाइड्रेट, आलू सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है, आलू केला वगैरह, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, 105 का सी हो जाएगा। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा, मिलाना है आपको इसमें, तो इसमें आंसर मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए, आप चेक कर लें, 10 आएगा, फिर भी बार देख लीजिएगा। कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है, मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है, तो देख लीजिए मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है इसमें, संभवतः सीरिया और लेबनान, फिर चेक कर लीजिएगा। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह कहाँ है, बलूचिस्तान में, 108 का ए हो जाएगा। सूची को सुमेलित करना है, बिल्कुल सही, ललित कला अकादमी कब हुई थी, 1954 में, तो आप जानते ही 1954 में सही है, ललित कला 1954 में, संगीत नाटक 52 में, NSD 59 में, सभी सही है, तो ए आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 है ना, तो 109 का ए हो जाएगा। 110 का भारत में राष्ट्रीय उद्यानों वन्यजीव सबसे अधिक संख्या MP में है, और अंडमान निकोबार सबसे अभ्यारण्य, दोनों सही है, तो सी आंसर हो जाएगा, 110 का सी। ऑस्ट्रेलिया के प्रांत पूछे गए आपसे, चलिए आइए बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रांत में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप कर भी सकते हैं इसको। तो न्यू साउथ वेल्स को याद रखें, तो इसकी राजधानी क्या है, सिडनी, मिला लीजिए, न्यू साउथ वेल्स सिडनी में पड़ता है, कैपिटल है उसकी। क्वींसलैंड की कैपिटल आप जानते हैं ब्रिसबेन है, ब्रिसबेन, विक्टोरिया मेलबर्न में है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ में है, तो कोई दिक्कत नहीं, सी आंसर 111 का सी, फिर भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, 111 का सी। वालकस झील कहाँ पर है, कजाकिस्तान में है, 112 का है कजाकिस्तान। फिर यूपी वाला मेला बहुत पूछते हैं, तो बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है, सही है। देवा शरीफ जौनपुर नहीं लगता, यही गलत, देवा शरीफ कहाँ लगता है, बाराबंकी में, बाकी सही, बटेश्वर आगरा, संखिसा फरुखाबाद में मेला लगता, यहीं पर लगता है, बिठूर कानपुर में है, देवा शरीफ जौनपुर नहीं, देवा शरीफ कहाँ है, बाराबंकी में, बी आंसर गलत हो जाएगा, बी मिल जाएगा इस आंसर। कौन सा जैव डीजल पौधा है, तो जठरोपा, कितनी बार आया जठरोपा, 115। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में कौन सा सही है, कराया था मैंने उत्तराखंड पीसेस में, तो त्रिशूल जो है उत्तराखंड के बागेश्वर में है, बिल्कुल सही, बागेश्वर में, ये 2475 मीटर, ये गलत है, तो केवल एक सही है, 115 का ए सही। व्यवस्थित कीजिए, घटनाओं को कर लेते हैं व्यवस्थित, बड़ी समस्या क्या है इसमें। प्रोजेक्ट हाथी कब आया था आप जानते हैं, 1992 में आया था। एलिफेंट टाइगर 1973 में आया था। संरक्षण जैव विविधता अधिनियम 2002 में है, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में है, तो देख लीजिए 72-73 यानी कि 3 और 4 एक और दो, तो 116 का आपको क्या मिल जाएगा, ए पहला आंसर मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्म्स राइट अधिनियम कब पास किया था, तो देख लीजिए कब पास किया, 2001 में, पहला, 17 का ए हो जाएगा। 18 पर आते हैं, मिलाना है, मैचिंग कर लीजिए, तो आप ये जानते हैं, देखो कितना सिंपल है इसमें, आप ये कर सकते हैं कि MS स्वामीनाथन ने ग्रीन लेवल से हरित क्रांति में थे, तो जब हरित क्रांति में थे, और बीरबल सानी आपके जीवाश्म वैज्ञानिक हैं, तो बस अब मिला लीजिए कि डी का वन किस में है, डी का वन और ए का थ्री, डी का वन ए का थ्री, तो बी आंसर मिल जाएगा आप, कोई डाउट नहीं, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं, 19 दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल थे, तो कौन कौन से, भारत, नेपाल और मालदीव, भारत, नेपाल, मालदीव, ए आंसर हो जाएगा।
गंगा नदी यूपी में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो गंगा जी का प्रवेश हरिद्वार के बाद यूपी में किससे होता है? बिजनौर से। किससे होता है? बिजनौर से। और निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज 2021। मैंने लास्ट दिन दो बार जब कनेक्ट कराया था, मैंने बार बार कहा था, यह भी आपसे कहा था कि नोबेल शांति वाला ही रटिए, और इसी के आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, और वही हुआ। तो इसका आंसर आप सब जानते हैं, ए आंसर मिला आपको मारिया रेसा व दिमित्री मुरातेव। मैं हिंदी में जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, बाकी इंग्लिश वाला पेपर आपके पास होगा उससे आप मिला लेंगे। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? तो प्रियंका मोहिते है। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, करंट में प्रियंका मोहिते। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था, मैंने कहा था बहुत महत्वपूर्ण आ सकता है क्योंकि इसी वर्ष उनका निधन हुआ है। तो उनको 2001 में, कब? 2001 में, 2001 में भारत रत्न मिला था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिताली एक्सप्रेस नाम से एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है ढाका को किस भारतीय शहर से जोड़ती है? तो न्यू जलपाईगुड़ी। किस के साथ जोड़ेगी? न्यू जलपाईगुड़ी, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी जीवनी है? तो इसका आंसर ए मिलेगा, पुलेला गोपीचंद। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? यह भी उन्होंने कराया था, और आप ये जानते हैं, राइटिंग विद फायर। डी आंसर मिलेगा इसका, राइटिंग विद फायर। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति SIEP 2 की शुरुआत की है, 2 की शुरुआत की है? आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या है, गुजरात। क्या मिल जाएगा इसका आंसर? सी ऑप्शन, गुजरात। उत्तराखंड में भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बना? तो 1906 में। बी ऑप्शन इसका सही है, भी मैंने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पहले भी आ चुका है और करवाया हुआ क्वेश्चन भी है, UPPCS में भी आ चुका था। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है, 2021 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो न्यूयॉर्क टाइम्स, ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, द न्यूयॉर्क टाइम्स 13 का भी। फिर नेक्स्ट है, कौन सा मैचिंग नहीं है, ये मैंने करवाया थे पहले भी आपको, टोक्यो ओलंपिक और दो बार, PV सिंधु कांस्य सही है, मीराबाई चानू रजत सही है, नीरज चोपड़ा गोल्ड सही है, बजरंग पूनिया रजत पदक सही नहीं है, ये भी गलत है, इनको ब्रॉन्ज मिला था। क्या मिला था? ब्रॉन्ज, कांस्य पदक मिला था, तो ये सही नहीं है, 14 का भी। 15 है, भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? कितनी बारी मैंने कराया है सरधना मेरठ, तो ये मेजर ध्यानचंद कहाँ पर बन रहा है? मेरठ में, यूपी के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जा रही है यूपी में, यूपी के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन वैसे भी। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अपस्पा 1958 के अंतर्गत निम्न से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था, 6 महीने के लिए? तो आप ये सब जानते हैं, इसमें बिना देखे कर सकते थे, बी नागालैंड, मैंने बहुत बार करवाया नागालैंड। निम्न से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया? ये भी मैंने कराया था, रानी कमलापति स्टेशन भोपाल, बी रानी कमलापति स्टेशन भोपाल है, प्राइवेट हाथों में जाने के बाद ये स्टेशन एयरपोर्ट की सुविधाओं के साथ बन गया है, बहुत सुंदर स्टेशन, जाकर देखिए, मैं वहां पर भी गया भी था। जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा चलाई गई अनूठी रणनीति का नाम क्या है? तो अनूठी रणनीति का नाम क्या है? प्लान बी। क्या नाम है? प्लान बी। विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता? तो इसका आंसर ए है, नोदिर बेग अब्दू सतारेव। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता आप सब जानते हैं, मैंने बताया भी था आपको, वर्ल्ड ओजोन डे। तो सी आंसर है 16 सितंबर, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आप सिर्फ आंसर देखते रहिए, व्याख्या हम लोग कभी और करेंगे, क्योंकि एक लंबा वीडियो हो जाएगा, 150 क्वेश्चन करने, तो संभव नहीं है कि व्याख्या की जाए। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता, 2022 जीता, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग। फिर मैचिंग करना है तो कर लीजिए, इसका भी बहुत अच्छा आंसर था, इसका आंसर आपको मिल गया था सी, देख लीजिए कैसे मिल गया, ये देखिए, ये
क्योंकि भारतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु में, कथक यूपी, कुचिपुड़ी आंध्रा, मोहिनीअट्टम केरल, कोई डाउट नहीं, सी आंसर हो जाएगा। विश्व की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनियों के सीईओस को मिलान करना है, मिलान कर लीजिए, आपने किया भी होगा और सही भी किया होगा, 23rd है, तो इसका आंसर डी सीरीज का है, तो ये बी ऑप्शन आपको मिल गया, ये बी ऑप्शन। देखिए ये जो सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डी सीरीज है, तो आप सब जानते हैं, मिला लीजिए। गूगल में कौन है? सुंदर पिचाई है गूगल के सीईओ, सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट से तनरेला, ट्विटर के अभी हाल ही पराग अग्रवाल, एडोबे शांतनु नारायण। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ पर किया है? ये क्वेश्चन कितनी बार कराया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, उम्मीद थी आने की। नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बन रहा है जेवर, यूपी में नोएडा में। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। मैंने कितनी बार वीडियो में कहा है, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, ऐसा कहते हैं कि बार बार कोई तीर्थ जाए, गंगा सागर एक बार जाने से आपको सभी तीर्थों का फल मिलता है, तो गंगा सागर पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में कौन सा राजवंश महिला शासिका रुद्रमा देवी संबंधित है? तो आप सब जानते हैं कौन संबंधित है, ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, काकती है, क्योंकि जब अभी हाल ही में जो मंदिर थे तेलंगाना के शामिल किए थे यूनेस्को धरोहर में, बताया था काकती वंश, काकती। लीलावती का रेखा कौन था? आप सब जानते हैं लीलावती, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। लीलावती गर्धिक थे जिन्होंने भास्कर द्वितीय ने क्या लिखी, लीलावती गर्धिक थे, कौन थे गर्धिक? हिस्ट्री क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है। वो धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, इसमें डाउट है हालांकि, तो बी और सी में से कोई होना चाहिए, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क्स कर रहा हूँ। सक छत्रप काल में सोने और चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो बहुत सिंपल था, सी बैकियर क्वेश्चन है, 1:35, 1:35। गधैया क्या होता था? एक तरह का सिक्का क्वाइन होता था, 30 का भी ए आंसर हो जाएगा। उदयन जेरल चेर वंश के थे, आपने चेर वंश लाल चेर सुना है, उदयन जेरल चेर वंश, 31 का ए। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? कितनी बार मैंने क्वेश्चन कराया आप सब जानते हैं, बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रकूट शासक किसने करवाया था? आप सब जानते हैं कृष्ण प्रथम ने, किसने करवाया था इसका निर्माण? कृष्ण प्रथम ने, डी ऑप्शन, एलोरा के कैलाश टेम्पल के जो रॉक कट है, एकाश मंदिर है, ये बहुत भव्य मंदिर है कैलाश मंदिर एलोरा का, कृष्ण प्रथम के द्वारा। मौर्य काल में प्रणयम क्या था? एक आपातकालीन कर था आपका, इमरजेंसी टैक्स था आपका, आपातकालीन कर क्या था? इमरजेंसी टैक्स। निम्नलिखित में किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो आप सब जानते हैं किसने हराया था, गोविंद तृतीय ने, गोविंद तृतीय ने, आप जानते ना जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए, प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटों को, उसी में हराया गया था। 1000 दिनारी, 1000 दिनार में जो खरीदा गया था, तो 1000 दिनारी किसे बोलते थे? मालिक काफूर को, किसको? मालिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी के समय मालिक काफूर को 1000 दिनारी, क्योंकि 1000 दिनार में खरीदा गया हुआ। निम्नलिखित में कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? कौन नहीं था देख लीजिए, ताजुद्दीन यल्दौज थे, कुवाचा थे, मलिक अल्तुनिया भी था, अली मर्दान नहीं था, कौन नहीं था? अली मर्दान। अगला है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित? आप सब जानते हैं सर्वाधिक जो मंत्र है ऋग्वेद में किसके लिए? इंद्र के लिए है, आप सबने पढ़ा है इंद्र के लिए सर्वाधिक मंत्र है ऋग्वेद में। निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? जो प्रथम जैन संगीति हुई थी, जो फर्स्ट आपका जैन काउंसिल्स हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में, दूसरी है ना बल्लवी में हुई थी, गुजरात में, पहली पाटलिपुत्र, दूसरी बल्लवी। निम्नलिखित में किस नाटक की रचना हर्षवर्धन ने की थी? तो आप सब जानते हैं प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका है ना नाटक, तो प्रियदर्शिका उसमें से एक ही है, बाकी हर्षचरित कादंबरी लिखे कौन है? बाणभट्ट है। कौन कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था? आप सब जानते हैं सीधी सी बात है कौन नहीं था, तो जान साइमन नहीं थे, क्योंकि ये जान साइमन की साइमन कमीशन में शामिल थे, जान साइमन ये नहीं थे, बाकी तीनों थे, लॉरेंस भी थे, अलेक्जेंडर भी, स्टोबर्ट किप्स भी थे। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण, वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने स्टार्ट किया? तो आप सब जानते हैं पूछ रहे हैं फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, वित्तीय विकेंद्रीकरण, लॉर्ड मेयो ने, और इसी के समय 1872 में पहली बार सेंसस स्टार्ट करवाई गई थी। गंगाराम था खेमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? मैंने करवाया था आपको ये, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये आप सब जानते हैं किस में लिखी गई थी, फारसी में, पर्शियन लैंग्वेज लिखी गई थी, बाद में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था।
1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग का अनुवाद कार्य पूर्ण किया था? मैंने बहुत बार बताया है आपको, ये कौसानी अल्मोड़ा के पास, मैंने कहा था कौसानी है, जाकर देखिए यहाँ पर अनासक्ति आश्रम भी है कौसानी, और यहीं पर गांधी जी ने कहा था कि भारत के लोग व्यर्थ ही स्विट्जरलैंड जाते हैं, उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड सिखा था, कौसानी को जरूर जाइए आप, बहुत मनमोहक स्थान है, बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है उत्तराखंड का कौसानी। कराया हुआ क्वेश्चन है, मैं भी यहाँ पर घूमा और आप भी जाकर खुद गए। निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो बाबरनामा में उत्तराखंड के इतिहास की कोई जानकारी नहीं मिलती, किसमें? बाबरनामा में कोई जानकारी नहीं मिलती, बाकी समय मिलती है। विषुवत रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? इक्वेटर जो है आपका वो किस कंट्री से नहीं जाती है? तो मैक्सिको से नहीं जाती, बाकी सबसे जाती है, मैक्सिको बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में है तो वहाँ पर नहीं है। विजयनगर काल में दक्षिण भारत में किस नृत्य परंपरा का परिवार विकास हुआ? तो विजयनगर कर्नाटक में बेसिकली यक्षगान का विकास हुआ था, यक्षगान, बाकी सब कर्नाटक से है भी नहीं। किसने खजाइन उल फतू की रचना की? तो अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतू, बी ऑप्शन है, 51 का बी ऑप्शन है, अमीर खुसरो अपने आप को तूतीय हिंद कहता था, अमीर खुसरो को ही हिंदी खड़ी बोली का प्रथम जनक माना जाता है। निम्न में से कौन नूरजहां जुंटा का मेंबर नहीं था? नूरजहां जुंटा ग्रुप बन गया था एक जब नूरजहां को, तो उसमें कौन नहीं था? तो आप सब जानते हैं महाबत खान इसमें नहीं था, बाकी तीनों थे, खुर्रम यानी कि शाहजहां शामिल था, इतमाउद्दौला के पिताजी थे वो शामिल थे, अफसर खान शामिल थे, है ना, असमत बेगम भी शामिल थी उनकी माता, जिसमें हालांकि उल्लेख नहीं है, महाबत खान का इसमें शामिल नहीं थे। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। निम्न से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सी धारा नहीं आती है? बेंगुला, बाकी सभी नॉर्थ अटलांटिक ओशन की धारा है, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन, फ्लोरिडा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत से बच्चों ने इसका आंसर बोर्नियो किया है, बट इसका आंसर क्या है सही, सी ऑप्शन सही है, न्यू गिनी। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड और दूसरा सबसे बड़ा है न्यू गिनी। कौन सा सही सुमेरित नहीं? तो बोरा साइबेरिया, ये गलत है, बोरा बेसिकली इटली में चलती, कहां पर? बोरा कहां? इटली। फुआन अल्पस, मिस्टर लाइन, खमसिन मिस्र, बोरा साइबेरिया नहीं, बोरा इटली होना चाहिए। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो आप सब जानते हैं अमेजन, पहली कौन सी है? नील सबसे लंबी, उसके बाद अमेजन है। निम्नलिखित में कौन कायांत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है? किसका? कायांत्रित मेटामॉर्फोरिक रॉक्स का एग्जाम्पल नहीं है, तो डोलोमाइट नहीं है, डोलोमाइट नहीं है, बाकी सभी मेटामॉर्फोरिक रॉक्स, डोलोमाइट नहीं है। कौन सा पठार अरावली और विंध्याचल के मध्य स्थित है? तो अरावली और विंध्याचल के मध्य स्थित है मालवा, कौन? मालवा। किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, तो आप सब जानते हैं, करवाया क्वेश्चन है, क्यूबा। कौन सी नदी सतलज की सहायक नदी नहीं है? तो रावी, बेसिकली चिनाब की सहायक नदी है, पहले रावी नहीं है, बाकी तीनों है। किसका कथन है कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड सही सूचक है? है ना, बहुत बार करवाया है, तो इंडेक्स बोलते हैं इसको क्लाइमेट का, वनस्पति को किसने कहा है? कोपेन ने कहा है, 61 का एक कोपेन। कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? तो अच्छा क्वेश्चन, नहीं सम्मिलित है सममंडल में, तो समताप मंडल, डी ऑप्शन है। कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? तो गुयाना नहीं है, बाकी सभी हैं, गैबन भी है, गिनी भी है, गिनी बिसाउ, गुयाना आपका वेस्टइंडीज रीजन की तरफ है। संसार में सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला कौन सी? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, तो आप सब जानते हैं एंडीज पर्वतमाला नहीं है, डी ऑप्शन, एंडीज पर्वतमाला। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हों कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी, कौन सी है? नीलगिरी। नेक्स्ट है, HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? तो आंवला है, औरैया है, बबराला, गुना, कौन सा नहीं है इसका? आंवला नहीं है, ये आंसर होगा मेरे हिसाब से आंवला। निम्नलिखित में कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक सेक्स रेशियो वाला है? लिंगानुपात तो केरल के बाद नंबर दो पर तमिलनाडु 996 है, केरल 1084 है, तो सी ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह का अंग नहीं है? तो ए आंसर सही है, तिलनचोंग इसका आंसर नहीं है। कोपेन ने भारत के किस विशाल मैदान की शब्द का प्रयोग किया है? तो CWG सी ऑप्शन है। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो खैर आपका जो होता है वो उपोष्ण कटिबंधीय वनों में, किसमें? उपोष्ण, खैर होता है तो इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, किसमें? सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो माइका के लिए, अभ्रक के लिए,
कोडरमा को बोलते भी हैं अभ्रक की राजधानी, कैपिटल ऑफ माइका इज नोन एज कोडरमा। कोडरमा कहाँ? झारखंड में, अभ्रक के लिए। भारत का पिट्सबर्ग है, इंडिया पिट्सबर्ग, मैंने बहुत बार हटवाया हुआ है आपको, कोडरमा वाला पहले भी क्वेश्चन कराया था आपको। तो ये पिट्सबर्ग जिसे कहते हैं वो जमशेदपुर को कहते हैं, किसको? जमशेदपुर झारखंड में। सभी क्वेश्चन आपको ब्रह्मा सीरीज से मिले हुए हैं। माता टीला बांध किस नदी पर? लास्ट ही करवाया था मैंने, माता टीला डैम जो है बेतवा पर है। और ब्रह्मा सीरीज अगर आपने मन से देखी है तो सोचिए कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, बिना कुछ अधिक मेहनत के आप क्वालिफाई हो रहे हैं। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई है? तो किस में की गई थी आप सब जानते हैं, लाहौर सेशन 1929, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में बैंक ऑफ रिवर रावी के तट पर 1929 दिसंबर को शपथ ली गई थी पूर्ण स्वराज की। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्र, ये सब करवाए क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी रूपांतर को अपनाया गया, बी ऑप्शन सही है, 24 जनवरी 1950। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, जो आपसे मैंने कहा था कि आपको आर क्यूब रटना है, याद करो आर क्यूब का मतलब राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति तीनों ही चीज़ 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग्स एंड प्रेसिडेंट अपनाए गए थे। निम्नलिखित में कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन के? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, डी ऑप्शन सही है इसका, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो पहले जो थे उसका आंसर बी हो जाएगा, गिरीश चंद मुर्मू। कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद मुर्मू, जो अभी देश के कह गए CAG हैं, वो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे कश्मीर के, फर्स्ट उपराज्यपाल थे गिरीश चंद मुर्मू। ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है। चीफ ऑफ डिफेंस CDS तीनों सेनाओं की सेवाओं में किसके सैन्य सलाहकार होते हैं? तो डिफेंस मिनिस्टर के, भारत के रक्षा मंत्री के, सी ऑप्शन है, कोई डाउट नहीं इसमें, सी आप कर पाएंगे। 82 क्वेश्चन है, तो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में कराया हुआ क्वेश्चन है। संपत्ति का अधिकार निम्न से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? भी मैंने कराया हुआ है, आप मेरे पॉलिटी वाले सेक्शन देख सकते हैं। कानूनी अधिकार, इन प्रेजेंट इट इज अ लीगल राइट, मैंने साफ बोला हुआ कि आर्टिकल 44 से हटा दिया गया था, इन प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट इन आर्टिकल 300A के तहत, ये एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार विधि अधिकार है। आप जो वीडियो पढ़े मेरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल वहां से आप चेक कर सकते हैं इसको। निम्न से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो आप सब जानते हैं कौन अध्यक्षता करता है, भारत के गृह मंत्री। कौन करेंगे इसकी अध्यक्षता? गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने माह के भीतर होना चाहिए? विद इन 6 मंथ। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ ब्रह्मा सीरीज में, 6 मंथ। और इवन जो मेरा पहला वीडियो पढ़ा है पंचायती राज वाला पॉलिटी में, वहाँ भी इसका उल्लेख मिलेगा आपको। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का उल्लेख है? तो ये 10th शेड्यूल में है, 10वीं अनुसूची, डी ऑप्शन 87 का। और ये भी मैंने जो भारत के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन उसमें आपको मिल जाएगा 10th शेड्यूल। बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं पढ़ने होते हैं, गिने के आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, और मैंने वो पॉलिटी सेक्शन में आप चेक करिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पढ़े हुए, चाहे UP हो, PCS हो, बिहार हो, झारखंड, उत्तराखंड, कहीं भी देंगे वो हमेशा काम आएंगे, आपको कुछ ही पढ़ने पड़ेंगे, पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। लोक लेखा समिति PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा से? तो आप जानते हैं सी, उसका आंसर 15 होते हैं, कुल मिला के कितने होते हैं? 22 होते हैं, तो 22 में 15 तो यहाँ से हो गए, 7 राज्यसभा से हो गए, 15 लोकसभा से हो गए। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? जो विधान परिषद है ना, उसका कार्यकाल कितना होता है बताइए? ये बहुत बार करवाया क्वेश्चन है, 6 वर्ष होता है, पी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 ईयर। कितना हो जाएगा? 6 ईयर। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, भारत द्वारा पहले प्रयोग नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति कब अपनाई गई थी? तो PM कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, बी ऑप्शन। किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है? तो डी ऑप्शन 21 अप्रैल, 21 अप्रैल को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने नागरिक सेवाएं सिविल सर्विस डे, ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है लास्ट वाले वीडियो में। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी, बिल्कुल सही है, 2005। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब चर्चा में आया था? वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में। सूची के साथ मैच करना है राज्यों के नाम और लोकसभा राज्यसभा सीटें हैं, सॉरी
देख लीजिए, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, इस तरह ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जो कौन सा आंसर मिलेगा, देखिए डी आंसर मिलेगा। देखते हैं क्या मिलता है। झारखंड में आप कर लीजिए 6, एक का 4 मिल जाएगा, डी ऑप्शन सही है, 4321। तो यानी कि एक का 4 मिल रहा है आपको, और उत्तराखंड जो है आपका बेसिकली वो आपका एक ही उत्तराखंड में जानते हो कर लेते, 3 मिल जा रहा है, बेगा 3, छत्तीसगढ़ 2 और पंजाब 1 यानी कि 7। तो इसका आंसर डी। भारत में सार्क दक्षेश शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था, ये क्वेश्चन भी कराया हुआ था, बैक ईयर है, उत्तराखंड में आया हुआ क्वेश्चन है, 86 ए ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के राष्ट्रीय आयोग गठन की बात करता है, या किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आयोग जो बना है वो किससे संबंधित है, तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। टोबिन टैक्स लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है टोबिन टैक्स, ये आपको बताना है। तो टोबिन टैक्स बेसिकली जो लगाया जाता है आपका विदेशी विनिमय लेन देन पर, 181 आंसर हो जाएगा, ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पर। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है, तो इसका आंसर बी है, 102 का बी मिल जाएगा, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम। निम्नलिखित में कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है, तो ये एक वैधानिक निकाय, ये गलत है, वैधानिक निकाय नहीं है। 30 वर्ष लोकसभा महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी, तो सबसे कम महिला सांसद किस वर्ष थे, तो ये आपको बताना था, तो इसका आंसर था आपका सी मिल जाएगा, 1977 में न्यूनतम मेंबर थे 19 महिला सांसद थे, जबकि देखा जाए तो 77 में अगर हम देखते हैं सबसे कम 1979 मेंबर थे, जबकि 52 में 22 थे, 67 में 31 के आसपास थे, 89 में 28 थे, तो इसलिए सी आंसर 1977। निम्न से किसे संसद की कार्यवाही में भाग देने का अधिकार प्राप्त होता, बहुत बार कमाया क्वेश्चन मैंने रटाया हुआ क्वेश्चन आपको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 उसी से मिला हुआ है, भारत के महान्यायवादी को संसद के रूप में बैठकर भाग लेने बोलने का अधिकार है, किंतु मतदान करने का वोटिंग का अधिकार नहीं है। उत्तराखंड अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, ये सही है, यानी कि बी ऑप्शन मिल जाएगा आपको इसका, मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डिवेटर्स। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है, तो जीडीपी में कृषि का हिस्सा बढ़ा है, गलत है, यानी कि इसका आंसर डी वाला सही है, एफडीआई का अंतर प्रभाव बढ़ गया है, विदेशी विनिमय में वृद्धि हुई, यानी कि बोथ बी एंड सी। स्वेट इक्विटी शेयर किसे आवंटित किए जाते हैं, तो किसे किए जाते हैं बताइए इसको क्या होगा, तो इसका आंसर है बहुत सिंपल सा आंसर होना चाहिए, कंपनी के कर्मचारियों को, है ना, किसको, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, डी ऑप्शन मिल जाएगा, कंपनी के कर्मचारियों को। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM में सब कुछ था स्टार्टिंग में, गेहूं, चावल, दालें और, है ना, दलहन, ये सभी, तो डी आंसर हो जाएगा, बाद में तिलहन हुआ लेकिन शुरुआत में याद था ना, 10-8-2, है ना, गेहूं, चावल, दाल दोनों। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली अपनाई जाती है, तो भारत में जो कर प्रणाली अपनाई जाती है कैसी, प्रतिगामी, डी आंसर मिल जाएगा, प्रतिगामी, यानी कि इंग्लिश बात करेंगे तो रिग्रेसिव। कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है, तो रोलिंग प्लान 6वीं योजना, गुन्नार मिल्डर ने रोलिंग प्लान दिया था आप सब जानते हैं, और जनता पार्टी की सरकार ने 6ठी योजना से, है ना, तो रोलिंग प्लान। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो सी, ए एंड बी बोथ दोनों सही हैं, NNP इक्वल टू होता है GDP माइनस डिप्रिसिएशन, NNP इक्वल टू GDP प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डिप्रिसिएशन। 114 क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में समावेशी विकास में क्या शामिल नहीं था, तो क्या शामिल नहीं था, पूंजी बाजार को मजबूत करना शामिल नहीं था, स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी कि डी शामिल नहीं था, बाकी सभी शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है, ये सही है, ये सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है, इट ग्रांट्स लोन टू ओनली मेंबर्स कंट्री। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में क्या होगा, तो क्या होगा, मुद्रा का कमजोर होना। अगला है, UNDP के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की विधि आप की गई थी, तो करवाया हुआ क्वेश्चन है, तो SDR 2010 डी आंसर हो जाएगा, SDR 2010
UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत के मानव विकास सूचकांक SDI रैंक क्या थी, 131। ये क्वेश्चन भी मैंने जब एक दिन करंट वाला करवाया था इंडेक्स पूरे, उसमें आप देखिए मिला है 131। किस वर्ष MSME में अद्यतन वर्गीकरण हुआ था, लास्ट चेंज कब हुआ MSME में, तो डी ऑप्शन 2020 में। कौन सी गिल्ड एंड सिक्योरिटीज कहलाती हैं, तो सरकारी प्रतिभूतियाँ, सरकारी प्रतिभूतियाँ। ये क्वेश्चन भी ब्रह्मास सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है। बहुपक्षी विनियोग गारंटी अभिकरण मीगा MIGA संबंधित है किससे, विश्व बैंक समूह से, वर्ल्ड बैंक समूह से, ये आप सब जानते हैं। वस्तु एवं सेवा कर ने किसको समाप्त किया, GST ने, तो किसको समाप्त किया, मूल्य वर्धित कर सी यानी कि VAT वैल्यू एडेड टैक्स को समाप्त किया है। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में नहीं है, तो उत्तराखंड में नहीं है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, CHAL नहीं है, बाकी CBRI है रुड़की में, ONGC भी है, BHEL भी है। निम्नलिखित में कौन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है, FDI का एग्जाम्पल नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा नहीं है, विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित ब्रांड अथवा स्टॉक का क्रय, विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित ब्रांड अथवा स्टॉक का क्रय FDI का एग्जाम्पल नहीं है, द परचेज ऑफ बॉन्ड्स और स्टॉक इशूड बाई फार्मा कंपनी ओवरसीज। WTO की निम्नलिखित, विश्व व्यापार से निम्नलिखित सभी कारणों में से कभी कभी आलोचना की जाती है, परंतु इसके किसकी वजह से आलोचना नहीं होती है, तो उसका आंसर डी है, ये उत्पादों की गुणवत्ता के उपसंद व्यापार का समर्थन करता है, तो डी आंसर सही है इसका। इट फेवरेज फ्री ट्रेड ओवर द क्वालिटी प्रोडक्ट, तो ये डी वाला सही है। यदि प्राथमिक घाटा शून्य तब उधार की राशि क्या होगी, तो सी हो जाएगा, ब्याज भुगतान के ठीक बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्याज भुगतान के ठीक बराबर, सी ऑप्शन, ब्याज भुगतान के ठीक बराबर, जस्ट इक्वल टू द इंटरेस्ट पेमेंट, है ना, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आते हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साइंस का बचपन से आप पढ़ते जा रहे हैं। आनुवंशिकी विज्ञान के जनक थे, द फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो आप सब जानते हैं ग्रेगर, जोहान ग्रेगर मेंडल, डी ऑप्शन है। रामसर साइट्स क्या है, करवाया मैंने, रामसर स्थल क्या है, तो आप सब जानते हैं 2 फरवरी बनाते हैं राम, तो सी आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमिया, है ना, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की, है ना, इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंस है आपका वेटलैंड्स का, उसके लिए। वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल प्राइज किसे दिया गया, तो ये भी करवाया, सी आंसर है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को, सी आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ग्लासगो में हुआ था, सी स्कॉटलैंड इंग्लैंड ग्लासगो में। देखिए लास्ट वाले कितने क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहे हैं आपको, देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ज्वाइंट पांडा है, महाकाय पांडा, बी ऑप्शन है। वर्तमान में भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या होता है, तो आप सब जानते हैं डी भारत रत्न होता है। सुदूर संवेदन तकनीक में रिमोट सेंसिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रयोग करते हैं। झूम क्या है, आप सब जानते हैं झूम क्या है, ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि खेती की एक पद्धति, मैंने कहा ना बड़ी मात्रा में झूमिंग, झूमते हुए नागालैंड वगैरह की जाती है। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो चालक कहलाता है, क्या कहलाता है, चालक, कंडक्टर, सी। के लिए कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं में संग्रहित किया जाता है, किसमें संग्रहित करते हैं, साइंस का अच्छा क्वेश्चन है, करवाया हुआ क्वेश्चन है, ब्रह्मास्त्र सीरीज में देख लीजिएगा आप। तरल नाइट्रोजन ए, क्या हो जाएगा, लिक्विड नाइट्रोजन, किस रासायनिक ग्रुप से सेलुलोज संबंधित है, तो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है, शर्करा से, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन कराया हुआ है। आनुवंशिक अभियंत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी दो जीवाणु हैं, तो जो आपके दो जीवाणु कौन से हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा, एसीरिकिया कोली एंड एग्रो बैक्टीरियम, टू बैक्टीरिया फाउंड टू वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगला है दुर्जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, ट्रांजिशन जोन, तो करवाया क्वेश्चन है, इकोटोन, क्या कहलाता है, इकोटोन, बी। यदि कोई एक इनपुट हाई तथा एक इनपुट हाई एक है, तो गेट क्या होता है, तो इसका सीधे मिल जाएगा AOR गेट, पहला ऑप्शन सही है। दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी है, क्या है, देख लीजिए, तो इसका आंसर बी मिल जाएगा आपका, ये देखिए। OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस काम करता है, तो नेटवर्क लेयर पर काम करता है, ए ऑप्शन है। निम्नलिखित किस कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी बार बार चलाया गया है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, तो आपसे जानते रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी ऑप्शन हो जाएगा। CPU कंट्रोल यूनिट में से कौन सा कार्य करता है, तो मे बी इसका आंसर आयोग देखो क्या देता है, बी या डी में आंसर होगा, लॉजिकल कार्य करना मेरे हिसाब से होना चाहिए, वैसे बी और डी दोनों आंसर हो सकते हैं।
प्रकाश की गति अधिकतम होती है, बार बार करवाया है, द लाइट ट्रेवल्स मैक्सिमम स्पीड किसमें होती है, वैक्यूम में, निर्वात में, सी आंसर हो जाएगा। किस जंतु को भूमि का कवच कहा जाता है, भूमि का कृषक कहा जाता है, भूमि को जोतने वाला किस, तो आप सब जानते हैं केचुआ, अर्थवर्म को 149 का ए करवाया हुआ, स्कर्वी रोग बहुत बार करवाया, विटामिन सी, विटामिन सी।